एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और खूब लंबी उम्र मिले, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हो तो हमारे चेहरे पे तब भी ना ही झुर्रियां पड़े और ना ही कहीं स्किन लूज हो, हम अच्छे दिखते रहे। और ऐसा नहीं है कि ये टेंशन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तभी हो, होता शुरू से ही है, लेकिन तब हमें कई बार पता नहीं होता है। इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप के बारे में सोचने का, कुछ चीजों के बारे में पढ़ने का, देखने का मौका मिला तो महसूस किया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सिंपल घर में करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। कल ही एक मेरे से भी एजेंट है, उनका मैसेज आया था कि आपके वीडियो देखे, थोड़ा सा हो सके तो कुछ चेहरे के लिए भी बोलिए कि हमारे झुर्रियां ना आए। ऐसा कुछ खान पान का तो आपने बहुत कुछ बोला, कुछ एक्सरसाइज है क्या? यही कारण है कि मैं आज आपसे बहुत सिंपल घर में ही जो हमारे पास चीजें होती है जैसे कंघा, टूथब्रश, इन सब चीजों से सिर्फ हमारे फेस को कुछ सिंपल एक्सरसाइज किस तरह हम कर सकते हैं ताकि वो उसमें झुर्रियां भी पड़े ही नहीं, पड़े भी तो बहुत एज होने के बाद, और हम किस तरह सुंदर दिख सकते हैं। प्लीज देखते रहे। फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हमारी गर्दन से, इस पे भी बहुत झुर्रियां पड़ती है। और तो उसका एक बहुत सिंपल है कि आप कोई भी क्रीम ऐसे हाथ में लें और ऐसे मसाज तो करते ही रहना चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, अपने घर में जो एक हैंड माने मैनुअली ऑपरेटेड जो घुटनी है वो ले सकते हैं, उससे ऐसे ऐसे करें। और नहीं तो आपके पास जैसा मैंने एक एक्सरसाइज में पहले दिखाया ये है, तो आप इससे इस तरह अगर आप करेंगे तो यहाँ झुर्रियां कम पड़ेगी, ये बहुत हेल्पफुल है। एक आप ये गर्दन के लिए कर सकते हैं। अब गर्दन के बाद क्या आता है, हमारे ये वाला पोर्शन जॉ, इनके लिए भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ये देखिए, चम्मच मुंह में लीजिए, यहां ऐसे पकड़िए, आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ आपकी एक्सरसाइजेज हो रही है इस पोर्शन की, बहुत है। अब क्या होता है, होठ जो हम लोग की उम्र वाले हैं वो भी, और कहीं जैसे मैं तो यंग एज से मुझे पता ही नहीं था क्या लिपस्टिक कैसे करना, केयर ही नहीं किया, तो स्वाभाविक है होठों पे एक दिखिएगा कईयों के यहाँ धारी धारी पड़ने लगती है, काले हो जाते हैं, सूखने लगते हैं होठ, समस्याओं से कारण भी, कई कारणों से। उसका एक बहुत सरल एक्सरसाइज है, आप क्या कीजिए, टूथपेस्ट इसमें ये देखिए ब्रश, इसमें टूथपेस्ट लगाया और क्या करना है कुछ नहीं, अभी जैसे ब्रश करते हैं दांतों में, इसको आप अपने होठों पे कीजिए, पहुंच दिया, हो गया आपका होठ एकदम। कुछ ही दिन ऐसे करेंगे तो अगर झुर काला बन है या सिकुड़न है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अब आते हैं ये जो हमारे स्माइलिंग जो ये यहाँ धारियां है स्माइल कर करते समय, इनके लिए बहुत सरल है, आप कोई भी ऐसे पतले जो आइसक्रीम के होते हैं वो या कहीं इनको लीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। अब ईयरबड्स सबके घर में होते हैं, चार लिया, थोड़ा सा इन्हें ऐसे गैपिंग किया और इस पोर्शन को यहां से लेके लास्ट तक ले जाए, कुछ बार कीजिए तो आपका ये पोर्शन भी सही हो गया। अब क्या है, अब बस है हमारे आंखों के नीचे भी, मेरे भी है क्योंकि काफी तनाव और दुख रहा तो है, अभी क्या है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये देखिए, और ये एक्सरसाइज आपको साइनस है उन्हें भी हेल्प करती है, आप ये कीजिए दोनों अंगूठों को ऐसे अंगली को, उंगलियों के पलकों के बीच में अगर झुर्रियां पड़ने लगती हैं वो ठीक हो जाती है। सेम नीचे कई शुगर पेशेंट्स के भी होता है, टेंशन से भी होता है, तो नीचे पोर्शन को भी आप इस तरह हाथ से दबाए पूरा तो बहुत फर्क पड़ेगा ऊपर, और ये हुआ। अब बसता है हेड लिया, और जैसे
बालों को कॉम करते हैं वैसे आप अपने फॉरहेड को कीजिए। आप यहाँ देखिएगा हल्का हल्का आपको खुद महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा और फर्क पड़ेगा। ये छोटी सी बॉल ली हाथ में और इसे अपने हो गया और इसे अपने पूरे फेस से घुमाए स्पेशली फॉरहेड के लिए। पूरा आपका चेहरे पे ना कोई आपको क्रीम लगानी है और सिर्फ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। और एक कर सकते हैं हमारे गर्दन के लिए, एक टॉवेल लिया उसे जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए और ये देखिए एक तरफ ऐसे और फिर दूसरे को यहाँ ऐसे। अब इसको ये आप कीजिए, बहुत घुमाना बहुत फर्क पड़ता है और पूरा ओवरऑल पूरा फेस आपका आप देखेंगे कि ग्लो करने लग गया है ना। तो यहाँ कोई वो पड़ेंगे, जो चीज जिंदगी में सीखे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। सोचा इस वाले साइड मौका दिया है इस उम्र में ही सही, बहुत उलझनों के बाद भी अगर कुछ सीखा है तो किसी एक का भी अगर भला होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी उन फ्रेंड को तो जरूर मदद मिलेगी, साथ ही साथ आप जो भी देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस अस ऑल।